हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे टोटके अपनाते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में जाके 51 रुपए का प्रसाद की मन्नत मांगा है या कुछ मांगा है। ऐसे टोटके कभी आप लोगों ने किए एग्जाम में पास होने के लिए? है कोई हमारे दोस्त? अंकल आप इतना हंस रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों लगता आपने अपने टाइम पे किए तो है कुछ। आपने आप ऐसे मेहनत से पास होते थे आप? नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से? हाँ। अच्छा जी, वाह, स्वागत है आपका। तो आपने कभी नहीं किया ऐसा? मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। आपको कैसे पता? बताया बेटे ने आके? हाँ, बेटे ने बताया ना। इतना ईमानदार बेटा है आपका। क्या किया बेटे ने आपने? मैं बेटे को बोलता था पढ़ाई कर, लेकिन वो बोलता था मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। वो सफेद शर्ट पहन के जाता था और वो पास होके बताता था। उसको लगता था कि सफेद शर्ट पहन के जाता हूँ, पहनने से पास हो जाता हूँ। अच्छा, हाँ। और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, तब भी वो सफेद शर्ट पहन के गया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, नौकरी मिल गई। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर अब्बास मस्तान तो प्रधानमंत्री बन गए होते। वो तो पहनते ही सफेद है। पर ऐसा बच्चों के मन में तभी आता है जब माँ बाप ऐसी कुछ सिखा। आपने कभी सिखाया ऐसी बात? नहीं, मैंने नहीं सिखाया था। आपने नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया। क्या करता है आपका बेटा? वो बैंक में क्लर्क। अच्छा जी, क्लर्क है। चलिए, बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया कि मैंने नहीं किया, मेरे बेटे ने किया। हो सकता है अगले एपिसोड में इनका बेटा है। मैं तो नहीं कहता, मेरे पापा करते थे। पर चलिए, ईमानदारी तो है। धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, नमस्ते। कपिल सर, नमस्ते जी, क्या हाल है? मैम, मैं उमेश यादव ग्वालियर से हूँ। ओके। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, हाँ जी, मैं पेपर दिए तो वो सही नहीं गए थे, और उसके बाद फिर मैं सैड हुआ। तो मेरे एक दोस्त के फादर थे, उन्होंने एक फार्मूला बताया कि पेपर से पहले एक दिन कुछ खाओ नहीं, कुछ खाओ नहीं। हाँ, बेहोश हो जाओ उधर। नहीं, पूरा खाना नहीं खाओ। अच्छा। और उसके बाद पेपर आपके सही जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप भूखे रहे सारा दिन? एक दिन भूखा रहा। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ्स का। अच्छा। और उसके बाद मैंने पेपर दिया और पेपर अच्छा गया, और उसके बाद मैंने दबा के खाना खाया। नहीं, इसके पीछे हो सकता है साइंटिफिक लॉजिक भी हो, क्योंकि हम लोग जब कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, दिखाई नहीं देता कुछ कि आसपास क्या हो रहा है ना। आदमी खा के थोड़ा सुस्त भी हो जाता है ना, दिमाग सुन्न हो जाता है कभी कभी, ज्यादा खाते ना। करते क्या हो आप? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। इनकम टैक्स में हो? चाय लेंगे आप? हाँ। ग्वालियर में? नहीं, मेरी गुड़गांव पोस्टिंग है। गुड़गांव पोस्टेड? अच्छा, है आप ग्वालियर से, पोस्टिंग आपकी वहाँ पे है। मेरा शादी हुई है अभी। अच्छा जी, अरे बहुत बहुत मुबारक हो आप। वाइफ है। नमस्कार जी, कैसे आप? कभी हुई शादी आपकी? ये हुई 27 जनवरी। अच्छा, अभी अभी। तो कहीं हनीमून मना के उधर शो देख रहे बैठ के? गोवा से आए हैं। देख लो, गोवा हुआ जहाँ मर्जी घुमाओ, मजा इधर ही आएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी। तो आपकी वाइफ भी जॉब करती है? सब इंस्पेक्टर है, एमपी पुलिस में। आप लेंगी जूस वगैरह? यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, एक इनकम टैक्स में है, दूसरी बीवी अपनी जो है मतलब पुलिस में है। वाह। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ पर्सनल, ऐसे जैसे बीवी इंस्पेक्टर हो, एक तो बीवी, हाँ, ऊपर से इंस्पेक्टर, तो कैसा रहता है? वर्दी पहन के जब आती है शाम को, कैसे हो आप? आपको थोड़ी देर के तो लगता ही होगा कि पुलिस आ गई। थोड़ा फील तो होता है। एक मिनट, माइक देना मैडम को। ये पुलिस वालों को तो आदमी डरता है, वैसे ही निकल जाता, आंख नहीं मिलाता। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपको, मतलब आप तभी नौकरी करती थी? नहीं नहीं सर, अभी अभी जान पहचान हुई है किसी जरिए से। अच्छा, कहीं नाके पे रोका था इनको? कैसे मुलाकात तो कैसे? मैट्रिमोनी। मैं तभी सोचूं, एक पुलिस वाले ऑफिसर से तो आदमी वैसे ही नहीं डरता, ही नहीं कभी ऐसा प्रपोजल रखेगा। पर अच्छा, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? छोटी बच्ची देखो, ये भगवान का रूप क्यों होते हैं बच्चे। देखो आप, ये देखो, ये दूसरी रो में जो बच्ची बैठी हुई है, ये एज सबसे बेस्ट है अर्चना जी। नहीं तो देख लो, बड़े हो जाते फिर यही टेंशन है कि करना क्या है। ये बेफिक्र, हाँ, अपनी नौकरी ढूंढो, शो शुरू करो, फिर बंद हो जाते हैं बीच में, फिर वापस शुरू करो, फिर वापस शुरू करो। ये उम्र सबसे बेस्ट है। 500 लोग ताले बजा रहे हो, अपने आराम से सो रही है। अच्छा, एक तो होता है एग्जाम के, हम लोग एग्जाम देते हैं तो हमें नंबर मिलेंगे, ये तो होगा स्कूल कॉलेज में, या नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, और भी कहीं कहीं हमें लगता है कि हमारी परीक्षा हो रही है। और आपको क्या लगता है जीवन में कहाँ कहाँ आपको फील होता है कि ये परीक्षा का समय है, या हमें परीक्षा देनी पड़ रही है? कोई मुद्दा? जी मैडम। हेलो सर, नमस्ते जी, मेरा नाम रशीदा, मैं पाली हिल बांद्रा से हूँ। ओ, महंगा एरिया। जी जब लड़कियां शादी करके जाती हूँ, जब मैं गई थी, जब नवी नवी थी घर में, सेकेंड डे जब होता है लड़की का, बोलते जरा स्वीट बना लीजिए, घर में पहली बार आए तो स्वीट, हाँ जरा किचन में जाके बना। अभी अपने घर में तो पता है कि मैं बहुत अच्छा स्वीट बनाती हूँ, पर उस वक्त एकदम नर्वस हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे घर में ननंद होते हैं, सास होती है, वो चेक करने बैठी होती है, वो बैठे होते हैं कि बाबा क्या कर रहे हो जी। तो फिर दूसरी बार ऐसा, मतलब हमारे घर में रूल है कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। अच्छा जी। तो हमें परमिशन लेने के लिए फिर सास से जाके परमिशन लेना है। तो रहते हैं आप बांद्रा हिल में, रूल आपके पूरे अंडमान निकोबार वाले 7 बजे से बाहर। बांद्रा तो मजा ही 7 बजे के बाद निकलने का आता है, घूमने फिरने का। अच्छा जी। तभी हम एकदम नर्वस हो जाते थे। अच्छा, क्या करें, डर लगता था क्या उनसे जाके कैसे पूछे हम। तो अभी खुल गए अपनी सास के साथ के नहीं? अभी हाँ, अभी तो खुल गए। कितना टाइम हो गया? अभी 3.5 साल हो गए मुझे मेरी शादी को, तो मुझे कम से कम 1 साल लगा खुलने के लिए। अभी मैं अभी अच्छी हूँ उनसे, अच्छी बात करती हूँ, अच्छे करते, तो फिर वो सब मुझसे अच्छे हैं। और अभी हमें परमिशन मिल गई तो हम जाते हैं। जितना फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो उतना ही अच्छा है। आपकी लव मैरिज हुई क्या अरेंज मैरिज? हमारी बहुत अरेंज एंड लव काम। अच्छा, अरेंज पहले हुई बाद में लव हुआ? नहीं, मैं इफ आई कैन गेट परमिशन आई वुड लाइक टू थैंक माय हस्बैंड ऑन दिस डे बिकॉज आई एम अ हैंडीकैप्ड एंड ही एक्सेप्टेड मी एज व्हाट आई एम। और बहुत प्यारे हैं आप दोनों। तो भाई साहब क्या करते हैं? वो बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और मैं पहले फैक्ट्री मैनेजर काम करती थी चॉकलेट फैक्ट्री में, बट नाउ ही इज, आई जस्ट वांटेड टू थैंक हिम ऑन दिस। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियोस।